सिवान में पत्रकारिता करना इन दिनों काफी चैलेंज साबित होता जा रहा है। दरअसल आपको बताते चले कि सिवान के इंडिया वॉइस टीवी के संवाददाता रवि कुमार गुप्ता के साथ सराय ओपी थाने के एएसआई और उसके चालक के द्वारा बदतमीजी की गई है। यहां तक कि रवि कुमार गुप्ता के मोबाइल भी छीन लिए गए हैं। उनके साथी जो थे इन दोनों को मारपीट किया गया है इनके साथ और काफी ज्यादा इनके साथ दुर्व्यवहार भी की गई है। आपको बताते चले कि रवि कुमार गुप्ता को यह सूचना मिली थी कि अवैध बालू वालों से सराय ओपी थाने के एएसआई और ड्राइवर मिल करके अवैध वसूली कर रहे हैं और इसी को कवरेज करने के लिए रवि कुमार गुप्ता अपने सहयोगी के साथ दो दिनों पहले रात्रि करीब 9 बजे के आसपास वहां पर पहुंचे और सारी गतिविधि को यानी कि पैसे के लेन देन करते हुए वीडियो को अपने कैमरे में कैद कर लिया। उसके बाद से एएसआई और चालक क्रोधित हो गए और रवि कुमार गुप्ता और उनके एक साथियों के साथ बदतमीजी करने लगे। हालांकि इस घटना की जानकारी रवि कुमार गुप्ता ने जब सिवान के पत्रकार एसोसिएशन को दी तो सिवान के सभी पत्रकार रवि कुमार गुप्ता के आवेदन को लेकर के सिवान के जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से मिले। साथ ही साथ उन्होंने इन जो बदतमीजी करने वाले जो पुलिसकर्मी हैं इन पर कार्रवाई करने की एसपी से मांग भी की। अब ऐसे में जिस तरीके से पत्रकार जो काम कर रहे हैं और आए दिन इस तरीके की दिक्कत हो रही है, एक तरफ अगर किसी के खिलाफ चलाया जाए तो वो पत्रकार को मारने की धमकी देते हैं तो दूसरी तरफ अब प्रशासन भी अगर अवैध वसूली कर रही है तो पत्रकार जब उसको अपने कैमरे में कैद कर रहे हैं तो उनके साथ भी बदसुल्की और बदतमीजी की जा रही है। आने वाले वक्त में देखना होगा कि सिवान के एसपी उन पुलिसकर्मियों पर क्या कार्रवाई करते हैं जो बदतमीजी किए हैं।